हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस। और आज के वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो आपका चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले मैंने इंटेक्स क्वेश्चन करवाने का है, उसकी वीडियोस करा रखी है, वो देख लेना। और मैंने जो इंटेक्स क्वेश्चन कराए हैं वो एक प्रॉपर वीडियो में भी और शॉर्ट्स में भी करा रखे हैं मैंने। पहले पिछले साल मैंने शॉर्ट्स में करा दिए थे ताकि अगर कोई रिविजन वगैरह करना हो तो शॉर्ट्स में ईजी होता है ना, बच्चों को आजकल शॉर्ट्स वगैरह बहुत पसंद है, तो उसमें करा रखे हैं। उन प्रॉपर वीडियो में भी मैंने इंटेक्स क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस है एक्सरसाइज करना, तो करते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं, लंबी हो जाती है वीडियो इसलिए बातें नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो यार देखो, ये क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री का कम मैथ्स का ज्यादा लग रहा है मुझे, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, परसेंटेज निकालवा रहा है बस, ऐसे में निकालते हैं ना परसेंटेज, उसी का क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूँ, एक कंपाउंड है, किस किस से मिलके बना है वो कंपाउंड, ऑक्सीजन और बोरोन से मिलके वो कंपाउंड बना है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जो किस किस से मिलके बना है, ऑक्सीजन और बोरोन को मिलके कंपाउंड बना, तो उसका मास दे रखा है, मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है, ये रहा लिखा हुआ ना, टू सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन, तो ऑक्सीजन और बोरोन को मिला के कंपाउंड बना जिसका मास ये रहा 0.24 ग्राम, ये दे रखकर उसके बाद इसने बोल रखा है कि इसमें जो बोरोन है वो इतना ग्राम है, तो मास ऑफ बोरोन भी दे रखा है, मास ऑफ बोरोन 0.096 ग्राम। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का भी दे रखा है मास, ये रहा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन भी दे रखा है, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम। तो कंपाउंड टोटल जो दोनों को मिला के जो कंपाउंड बना उसका मास दे रखा है, और फिर बोरोन का और ऑक्सीजन का अलग अलग दे रखा है, तो हमें क्या रखा है परसेंटेज बता दो बस। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, बस परसेंटेज निकाल लो, मान लो बोरोन का निकाल लो, तो कैसे परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे मान लो 200 में से 150 मार्क्स आते हैं, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने मार्क्स आते हैं वो टोटल मार्क्स जितने में से आते हैं वो इनटू 100, ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज, परसेंटेज आ जाता है। तो यहाँ भी तो परसेंटेज निकालना है, मान लो बोरोन का परसेंटेज निकालना है कितना है, तो जिसका निकालना है, जैसे यहाँ पर ये 150 का निकालना था, तो यहाँ बोरोन का निकाल रहे हैं, तो हम 0.096 और टोटल, जैसे यहाँ नीचे टोटल 200 लिखा है, यहाँ टोटल कितना है हमारे पास 0.24 इंटू 100, बस इसको आप सॉल्व कर दो तो आपका बोरोन का परसेंटेज आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, ये तीन पॉइंट के बाद जीरो है और ये दो के बाद है, तो ऊपर 100, मतलब इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हो, तो ये बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर जीरो लगा दूंगा, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हो आप, तो ये हटाया, ये तीनों हट गए, उसके बाद ये एक जीरो से एक जीरो गया, तो हमारे पास क्या बचा 960 बच गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 फोर टाइम्स जाता है, 24 फोर जा 96 होते हैं, और ये जीरो 40% आपका बोरोन है, 40% इस कंपाउंड में 40% आपका बोरोन है, तो ये 40% बोरोन है। तो आप इसको भी आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जब 40% बोरोन है तो ऑब्वियसली 60% ऑक्सीजन होगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए भाई, एक का निकाल दिया कि 40% बोरोन है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को ऑब्वियसली 60 होगा, क्योंकि परसेंटेज तो टोटल 100% होता है ना, तो एक का 40 है तो दूसरे का 60 होगा, नहीं तो आप ऐसे ही जैसे यहाँ कैलकुलेट किया था बोरोन का, ऐसे ऑक्सीजन का भी कर लो कि भाई ऑक्सीजन का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है वो ऊपर नीचे टोटल, जैसे यहाँ पर नीचे टोटल करते हैं ना अपन, वैसे टोटल 100, तो बस आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका 60 है, वरना आप यहाँ कॉमन सेंस से देख सकते हो कि भाई बोरोन का 40 आ गया तो ऑब्वियसली दूसरे वाले का 60 ही आएगा, यहाँ परसेंटेज निकल गया हमारा बोरोन का 40, ऑक्सीजन का 60, इसको सॉल्व करोगे तो भी 60 ही आएगा, ठीक है, समझ आ गया। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ाती मैंने, मतलब ये परसेंटेज निकलवाया बेसिकली इस क्वेश्चन में इसने, सिर्फ परसेंटेज हमें निकलवाया, परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लो दो फटाफट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं, कह रहा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखो इसको ध्यान से सुनो, देखो इसमें ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान से पढ़ो पहले, ये क्या कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन बर्नड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें ले इसने, एक लिए कार्बन कितना 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना लिया, ऑक्सीजन कितना लिया 8 ग्राम, यहाँ तक बात समझ में आ गई, और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया CO2, कितना हो गया 11 ग्राम,
ये एक पहली चीज इसने बोल रखी क्वेश्चन, मैं समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, ये हो गया येलो कलर से जो लिखा है। अब ब्लू से मैं लिख रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन लें। कार्बन ली हमने 3 ग्राम और 50 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन ली 50 ग्राम, तो कह रहा है अब जो CO2 बनेगी इन दोनों को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बनेगा ये कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे बेसिकली। और ये पूछ रहा है कि कौन सा लॉ लगेगा केमिकल कॉम्बिनेशन का जो इसका आंसर देगा, कौन सा लॉ लगेगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो येलो में मैंने लिखा है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई कार्बन 3 ग्राम ली, ऑक्सीजन 8 ग्राम ली और दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जो कि 11 ग्राम हो गया। और फिर कह रहा है कि अगर हम कार्बन 3 ग्राम लें और ऑक्सीजन 50 ग्राम लें तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं इसमें देखो, वो ऐसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे बच्चे कि अच्छा 3 ग्राम कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 8 + 3 मिला के दोनों मिला के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे नहीं सोचना। और इसको आप इसी अगर इसी सोच के साथ यहाँ पर इसका आंसर आप दे दोगे कि 50 ग्राम ऑक्सीजन है 3 ग्राम कार्बन है तो 53 आंसर है जो कि रॉन्ग होता है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो लॉ लगेगा ना, जब भी कोई आपका कंपाउंड बनता है, जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एक एक लॉ होता है, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। आप ऐसे अंधाधुन ऐड नहीं कर सकते, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसका ऐड होने का एक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हमेशा एक प्रोपोर्शन होता है, एक प्रोपोर्शन में ही वो ऐड होते हैं। क्या है इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, तो ध्यान से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप सीख लो मुझसे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इस क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, ये लॉ सीख लो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है जैसे यहाँ पर हमारे दो जो एलिमेंट है, दो जो एटम है वो है कार्बन और ऑक्सीजन और उनको मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें एक कार्बन है यानी कि 12 और दो ऑक्सीजन है यानी 16 × 2 = 32, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का मिक्सचर है यानी कार्बन कितना 12:2। अब ये प्रोपोर्शन बन रहा है, देखो कार्बन का प्रोपोर्शन 12 और ऑक्सीजन 2 है तो 32, तो 12:32 का प्रोपोर्शन है। इसको काटो कैसे काटेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, तो इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शन है 3:8 के प्रोपोर्शन में ही हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन आपका कंपाउंड में मिलेंगे 3:8 के प्रोपोर्शन में। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन का 3 ग्राम ही दे दिया तो इसका मतलब अगला जो ऑक्सीजन होगा वो 8 ग्राम ही ऐड होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अगर 50 ग्राम है, ऑक्सीजन अगर आपका 50 ग्राम है तो उसमें सिर्फ 8 ग्राम ही यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में, तो इसका जो आपका कंपाउंड बनेगा वो भी 3 + 8 = 11 ही होगा, समझ लो, क्योंकि ये 3 है। अगर मान लो ये 3 कार्बन की जगह यहाँ पर बोल देता 6 तो इसका प्रोपोर्शन 2 होता तो इसका भी 2 हो जाता, तो फिर 16 ग्राम आपकी ऑक्सीजन यूज हो जाती और फिर 6 + 16 मिलकर 22 ग्राम आपकी CO2 बन जाती। कहने का मतलब कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है कि हमेशा इसी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन ही होता है, प्रोपोर्शन समझते हो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन, जैसे 3:8 का प्रोपोर्शन है किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो इसी प्रोपोर्शन में ये ऐड होंगे। अब तो या तो जितना ये 3 का जितना डबल होगा ट्रिपल होगा उतना ही 8 का भी डबल या ट्रिपल होगा, मतलब इसी प्रोपोर्शन में चलेंगे 3:8 के। तो यहाँ पर कार्बन का 3 ही दे रहा है, 3 ही ग्राम कार्बन है तो यानी ऑक्सीजन भी 8 ही ग्राम होगी। अगर मान लो कार्बन 6 ग्राम दे रही होती तो यानी कार्बन 2 टाइम्स होगी, तो फिर आपको ये ऑक्सीजन को भी 2 टाइम्स करते हैं तो 8 × 2 = 16 ग्राम हो जाती, तो फिर 6 + 16 मिलके 22 ग्राम का आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता, लेकिन ये रेशियो आपका मेंटेन रहेगा। तो इस केस में इसने 3 ग्राम कार्बन बोली यानी कि ऑक्सीजन आपका 8 ग्राम ही यूज होगा, तो ये जो 50 ग्राम ऑक्सीजन है उसमें से सिर्फ 8 ग्राम ही यूज होगा आपका कंपाउंड बनने में, बाकी का 42 ग्राम ऐसे ही रिमेन रह जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो CO2 बनेगा वो 11 ग्राम ही बनेगा। समझो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। तो देखो ये जो पूछ रहा है ना ये वर्ड में ही इसका मीनिंग है, जो वर्ड है ना पॉली एटॉमिक इसी से हम इसका मीनिंग निकालेंगे। देखो ये पूछ रहा है ना कि क्या है पॉली एटॉमिक आयन, तो यहीं से हम समझेंगे। तो जब भी किसी वर्ड के पीछे पॉली लग जाता है तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब मैनी, जैसे अगर हम मैथ्स में पढ़ते हैं पॉलीनोमियल, तो मैंने आपको पढ़ाया था जिन्होंने मुझसे मैथ्स पढ़ी है,
पॉली मतलब होता है मैनी, मैंने यहाँ भी समझाया था पॉलीनोमियल मतलब मैनी नियल मतलब इक्वेशन, तो मैनी एक्सप्रेशन होते हैं, मैनी टर्म्स होते हैं जिस इक्वेशन में, उसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। खैर ये मैथ्स की बात होगी, मैं बस आपको एक पॉली वर्ड का मतलब समझा था कि जब भी किसी वर्ड के पीछे पॉली लग जाता है तो पॉली का मतलब होता है मैनी। जैसे अगर बाइनोमियल होता था, मैथ्स की पेज रहते हैं हम थोड़ा सा, बाइनोमियल बाई का मतलब होता है टू, तो टू टर्म्स जिस इक्वेशन में होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते थे, है ना। तो जिस मोनोमियल मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल, तो जिस टर्म में जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म होता था उसको मोनोमियल बोलते थे, मैथ्स की बातें। तो पॉली मतलब मैनी, तो यहाँ पर इस केस में पॉली लग गया एटम के पीछे, पॉली एटॉमिक, है ना, एटम के पीछे पॉली लग गया। तो ये जो वर्ड है पॉली एटॉमिक, इसका मतलब है मैनी एटम्स। और आयंस क्या होते हैं, आयंस मतलब चार्ज होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम बोलते हैं कटायंस। ये देखो आयंस जो वर्ड है यहीं से आया है, कटायंस, कटायन का जो ION है लास्ट का वो यही है। तो आयन मतलब होता है बेसिकली चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो अनायन, ION देख रहे हो ना, अनायन, तो नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को कटायन बोलते हैं। तो अब आप समझ जाओगे कि ये पूछ रहा है कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन वो होते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स मिलके कोई सब्सटेंस बनाते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, समझ गए। बहुत सारे एटम, नाम ही ना पॉली एटॉमिक, पॉली मतलब मैनी एटम्स मेक अ कंपाउंड एंड दे हैव अ चार्ज ऑन इट। पॉली एटॉमिक आयन क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज एंड बिहेविंग लाइक अ वन एंटिटी, मतलब एक जैसा एक एक कंपाउंड एक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्या, जिसमें बहुत सारे एटम हो, मैनी एटम हो और उनके ऊपर कोई चार्ज हो, समझ गए। तो इसका पॉली एटॉमिक आयन्स के हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच हैज मैनी एटम एंड हैव अ चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। द सब्सटेंस विच हैव मैनी एटम एंड हैव अ चार्ज आयन मतलब चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। एंड एग्जाम्पल उनके आप कुछ भी सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल OH-, ये देख लो, अब इस पर देखो दो एटम आ गए, एक एटम ऑक्सीजन एक एटम हाइड्रोजन, तो पॉली मतलब मैनी हो गए और चार्ज भी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन का एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो, जैसे 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 CO3-, ये भी एक तरह का आपका देखो पॉली एटॉमिक आयन है। देखो इसमें एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है, तो बहुत सारे आइटम है अलग अलग तरह के, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्या है, कार्बोनेट आयन है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। और ये OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो मेन मुद्दा था कि पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या था वो समझ गए ना, पॉली मतलब मेनी एटम, जब मेनी व्हेन मेनी एटम द सब्सटेंस विच हैज मेनी एटम एंड हैव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन्स। एन एग्जांपल देख लो, ये सब्सटेंस है एक OH- और इसके बाद मेनी एटम है, दो एटम है और चार्ज भी, ये भी एक सब्सटेंस है, इसके बाद मेनी एटम है और एक और चार्ज भी है इसके ऊपर, कार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है पॉली एटॉमिक आयन के, समझ गए ना बात को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि जो नीचे आपके सामने कंपाउंड लिखे हुए हैं इनका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, सारी चीज़ें बेसिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है मैग्नीशियम, और ये क्लोराइड Cl2, तो इसका फॉर्मूला हो गया MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड होता है कैल्शियम, और ऑक्साइड वगैरह CaO, इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्विक लाइम। तो ये सब आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर का Cu और नाइट्रेट का NO3 होल ट्वाइस, तो ये कॉपर नाइट्रेट हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का आप देखो, एल्यूमिनियम और क्लोराइड का Cl3। अब आप सोचो, ये मत कंफ्यूज होना, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के दो थे या तीन हो गए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो भी आप ये याद कर लो बस, AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बहुत कॉमन है, कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आपके 1 मार्क्स में या कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेंगे वो लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैंने अभी तो प्रीवियसली बताया आपको क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस बार नाम दे दिया और फॉर्मूला पूछा है बेसिकली, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, HBr, ये पूछ रहा है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, तो एलिमेंट पूछ रहा है तो हम वो भी लिख देते हैं, कैल्शियम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन, तो लिख देते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एलिमेंट पूछ रहा है ना कि भाई ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, मैंने गलत बता दिया, ये पूछा था कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है,
फॉर्मूला भी मैं लिखते जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर कॉमन नेम है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो एक तो सोडियम लिख दें आप, एक एरा हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन ये तो पूछा है कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, एक है आपके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के भी तीन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन ये पूछा नहीं इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वही बताते चल रहे हैं। क्विक लैम का फॉर्मूला हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला मुझे पता है HBr होता है, तो इसके अंदर H4 हाइड्रोजन, Br को ब्रोमीन प्रेजेंट है। बेकिंग पाउडर जो है वो कॉमन नेम बोल दिया, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये रहा। तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप सीधे कितने क्या क्या एलिमेंट है वो आराम से बता सकते हो। अब जैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। मुझे बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो एक के है, के मतलब पोटेशियम है, एस सल्फर और ओ से ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है ऑक्सीजन। तो ये तीन एलिमेंट है इसमें, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। पोटेशियम के दो, ये तो नहीं पूछा इसने कि किस किस आइटम के कितने कितने वो नहीं पूछा, बस पूछ रहा कौन कौन से है, तो हमने बता दिया पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन भी है आपका एक तरह से एक्सरसाइज का। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो कुछ सब्सटेंस लिखे हुए उनका हमें मोलार मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था इन टेक्स्ट में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए, कि मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका एटॉमिक क्या पता होना चाहिए, आपको उसका एटॉमिक मास, क्योंकि आपको एटम का मास पता चलेगा तभी तो आप उसमें डाल के आप उसका मोलार मास, मोलार मतलब पूरे जो मॉलिक्यूल है उसका मास निकालना। तो उसके लिए उस मॉलिक्यूल में कितने आइटम है उनका मास पता होना चाहिए, ताकि फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल मास निकाल सकें। तो मोलार मास जानने के लिए हमें जो उस मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम है उन सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है इथाइन, तो पहले तो इथाइन का हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए भाई इथाइन क्या होता है। तो इथाइन होता है C2H2, इथाइन होता है C2H2। अब इसमें कौन कौन से आइटम है, एक कार्बन है और एक मतलब दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, मतलब कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दो तरीके के इसमें एटम है, तो इन दोनों का मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो मेरे को मैं या तो ये क्वेश्चन में दे देंगे आपको एटॉमिक मास, या फिर आप कुछ कुछ कॉमन कॉमन के तो पता ही होने चाहिए। मैंने आपको शायद इंटेक्स जब करा था तब थोड़ा बताया भी था कि कुछ कॉमन आइटम्स के आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए, जैसे कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐसे आपको कुछ कॉमन कॉमन के पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको याद करें। वैसे मेरे हिसाब से वो एग्जाम्स में आपको एटॉमिक मास देंगे अगर उनको मोलार मास कैलकुलेट करवाना होगा, ये मेरा अजम्पशन है कि अगर आप उनको मोलार मास आपसे कैलकुलेट कराना होगा तो वो उस मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे उनका एटॉमिक मास आपको देंगे। तो फॉर एग्जांपल इस इथाइन का हमें मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो मैंने बताया इथाइन का फॉर्मूला है C2H2, तो कार्बन का एटॉमिक मास मैं लिख देता हूँ पहले, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है जल्दी बताओ भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। बस अब हमें मोलार मास कैलकुलेट करना आसान है, कार्बन के कितने हैं 2 हैं, तो 2 × 12, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2 आइटम है और एक आइटम का मास 1 है भाई, एटॉमिक मास मतलब एक आइटम का मास, एटॉमिक मास, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम का मास है 1, पर यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन आइटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1 को, तो वही कर रहे हैं बस हम। जैसे यहाँ पर एक कार्बन आइटम का मास है 12, पर यहाँ तो 2 कार्बन आइटम है, तो 2 × 12 किया, तो ये होता है मोलर मास कैलकुलेट करना। तो बस इसको ऐड कर दो, 12 × 2 = 24 प्लस 2 × 1 = 2 24 + 2 = 26, और मोलर मास आप ग्राम पर मोल का यूनिट लिख सकते हो, ग्राम पर मोल, ठीक है, समझ आ गया। बस इसी तरह आपको सारे जितने भी सब्सटेंस लिखे हुए इन सबका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो आप मोलार मास आप कैलकुलेट कर लोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्या रखा है सल्फर मॉलिक्यूल और इसका फॉर्मूला दे दिया इसने S8, मतलब सल्फर के 8 आइटम है, तो अगर आप सल्फर का आपको एटॉमिक मास पता चल गया तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे वही सल्फर मॉलिक्यूल का मोलार मास होगा। तो सल्फर का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, इसके लिए कितना होता है सल्फर का एटॉमिक मास, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आई एम श्योर वो पेपर में आपको देगा सल्फर एटॉमिक मास इक्वल्स टू 32। तो एक सल्फर आइटम का मास होता है 32, यहाँ पर कितने सल्फर आइटम है 8 सल्फर आइटम मिलके ये मॉलिक्यूल बना है S8 नाम का,
S8 नाम का ये जो मॉलिक्यूल बना है, इसमें कितने सल्फर हैं? 8 है, और एक सल्फर का मास कितना है? 32। तो टोटल पूरे मॉलिक्यूल का पूछ रहा है ना, तो मोलर मास मॉलिक्यूल का होता है, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं? S8 है, तो यानी कि 32 इंटू 8 जब आप करोगे तो क्या होता है? 24 256 ग्राम पर आ गया मोलर मास इसका, ठीक आ गया मोलर मास ये। तो ऐसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना आपको मोलर मास कैलकुलेट करने का। भाई जिस भी मॉलिक्यूल में जितने भी आइटम है वो आप देख लो, और फिर हर एटम का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, फिर कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करके आप मोलार मास आपका निकाल सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉस्फोरस नाम का एक मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 फॉस्फोरस के एटम है, P4 है ना, P4 बन के फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बना, पर इसमें कितने मॉलिक्यूल है? फॉस्फोरस के 4। तो हमें पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए फॉस्फोरस का। एटॉमिक मास मैं बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको समझ आए, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, तो फॉस्फोरस के एक एटम का कितना मास होगा वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें कितने एटम है? 4 एटम है, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास आपको दे देगा प्रोबेबली फॉस्फोरस एटॉमिक, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास आपका होता है 4, यानी कि थर्टी वन फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31। 4 तो ये एटम है इस मॉलिक्यूल में, तो बस इस पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालने के लिए 31 × 4 क्योंकि होता है 124 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यूनिट है मोलर मास की। तो इस तरह से आप करोगे। और भी क्वेश्चन है इसके हो रहे हैं? ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो इसने फॉर्मूला ही लिखा, क्योंकि सोच रहा है कि बच्चों को पता ही होगा, तो कोई बात नहीं, वैसे पता होना भी चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, तो HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का क्या है? मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल किन किन आइटमों से बना है? एक हाइड्रोजन है इसमें, एक क्लोरीन है, तो आपको हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्लोरीन का भी एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो भी हमने देखा कितना होता है, बताओ ऐसे कॉमन कॉमन की तो याद कर लो, बड़ी क्लास में जाना है नहीं जाना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, बोलो कितना होता है? 1, सिंपली 1। दूसरा आइटम है क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली होता है 35.5। ये हो गया। अब मोलार मास हमें निकालना है, तो मोलार मास मतलब इन जितने भी आइटम है उनको ऐड करेंगे हम, तो हाइड्रोजन का 1 है, एक ही है, तो एक इंटू एक यानी कि 1 ही है, प्लस क्लोरीन का भी एक है, 35 × 1 ही है, एक ही आइटम है, तो 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। ये आंसर आ गया 36.5 ग्राम पर। दोनों को ऐड कर दिया ना भाई। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको? पता होना चाहिए वैसे आपको, कॉमन चीजें हैं। HNO3 ये होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब पहले तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से आइटम है? एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और 3 ऑक्सीजन है, तो इन सबके आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का तो अभी हमने देखा 1 होता है, लिख लेते हैं हाइड्रोजन एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? दे देगा वो नाइट्रोजन एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? 16। बस अब आप कैलकुलेट कर दो। तो अब कैलकुलेट कैसे करोगे भाई? बस मल्टीप्लाई प्लस करना है सबको। तो जैसे हाइड्रोजन का एक है तो यहाँ पर एक ही आइटम है तो 1, फिर दूसरे आइटम पे जाएंगे बीच में प्लस का साइन। नाइट्रोजन का एक ही है और उसका एक का एटॉमिक मास है 14, फिर तीसरे आइटम पे जा रहे हैं तो बीच में प्लस। ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 3 आइटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक ऑक्सीजन आइटम का मास है 16, है 3, तो 3 × 16 बस इसको ऐड कर दो, वही आपका इस पूरे का मॉलिकुलर मास होगा। तो 1 + 14 16 × 3 कितना होता है? 48। ऐड कर दो तीनों को, तो 1 + 14 यानी कि 15 + 48 होता है 63 यूनिट लगा दो ग्राम पर मोल, और आपका आंसर आ गया HNO3। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, और कोई भी आपको दिक्कत हो इंटेक्स क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करा दिए। अब मुझे तो या तो तुम हेल्प करना कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा उठाऊँ, ठीक है, हेल्प करना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाऊँ, और दूसरा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछा करो। मैं सिर्फ ज़्यादातर मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई डाउट पूछेगा ना मुझसे कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को उसको तो रिप्लाई करना ही करना है, चाहे एक बार मैं प्रेज वगैरह आप करते हो उसको मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, लेकिन डाउट तो पक्का मैं करता ही हूँ रिप्लाई, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? जल्दी तो नहीं बढ़ा दिया मैंने? तो
स्पीड भी बताना मुझे कि अगर मैं स्पीड, अगर मेरी फास्ट चल रही है तो मुझे बताओ, या स्लो चल रही है तो मैं फास्ट करूँगा, फास्ट चल रही है तो मैं स्लो करूँगा, ठीक है? मुझे बताना थोड़ा सा, मेरे को हेल्प करो आप लोग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।